भारत माँ की आन बचाने, देश की अपनी शान बढ़ाने, जान दूंगा वतन की खातिर, देख लेना दोस्तों। बॉर्डर पर खड़ा हर हमारा फौजी यही कहता है। दोस्तों, 15 जनवरी सेना दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आज भारत के फौजी भाइयों को समर्पित हमारा एक प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, देखिए। ये रेड वाली पेन ड्राइव ये हमें श्रीनगर हेडक्वार्टर में भेजनी है, और ये ब्लैक वाली पेन ड्राइव ये हमें खुद ही सियाचिन बॉर्डर पर लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि बटालियन तो अभी रवाना हो चुकी है। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे जय। अरे मुस्कान, आप यहाँ पर कैसे आते? कैसे नहीं, शादी के बाद आपका ये पहला जन्मदिन था, और ये जन्मदिन हम आपको अकेले मनाने कैसे देते? ओह, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि हम इस वक्त आपको नाथुला बॉर्डर पर मिलेंगे, ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि इस बात को तो सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर और मेरी बटालियन के कुछ खास लोग ही जानते हैं। वो अपने मेजर गुरुचरण जी अभी लौड़ी की छुट्टी पे अमृतसर गए हैं ना, तो उससे हमारे फोन पे बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे बताया। और फिर हमारा मन भी तो नहीं लग रहा था, शादी के 15 दिन बाद ही आप ड्यूटी पर चले आए, तो हमने सोचा आपसे मिलने चले जाऊं। आई एम सॉरी। मुस्कान, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अरे आपको पूरा हक है हमसे मिलने के लिए है? और आज ना आप बहुत ब्यूटीफुल, एकदम क्यूट लग रही हो। थैंक यू। रोज रात को तो मैं आसमान पर चांद देखता हूँ, आज मेरे चांद को नाथुला बॉर्डर पर भगवान ने मुझे भेज दिया। भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, सर भगवान को थैंक यू, और हमारा क्या, हम जो इतने दूर से आपसे मिलने के लिए आए, हमारा कुछ नहीं। अरे मुस्कान, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। अब आप ये बताइए कि हमारे जन्मदिन की खुशी में आपको हमसे क्या चाहिए? हनीमून, प्लीज जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाइए, प्लीज। ऐसा है मुस्कान कि हनीमून पर तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या? हनीमून अकेले? हम हनीमून अकेले कैसे मनाएंगे? ऐसा है ना कि हमें छुट्टी एकदम नहीं मिल सकती, आज शाम को ही हम सियाचिन वापस जा रहे हैं, नेक्स्ट 6 मंथ नो लीव। और हाँ, एक बात बताइए तो, आपको खाना अच्छे से बनाना नहीं आता क्या? क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे शादी के बाद जब हम ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे, तो आपने जो बेसन के भरे हुए करेले और पूरियां बनाकर दी थी ना, उन्होंने पूरे सियाचिन में रात भर आतंक मचाया था। क्या आतंक? अरे हंसो मत, दरअसल बात ऐसी हुई थी कि हम रास्ते में तो आपका खाना खा नहीं पाए, 1 घंटे में चौपर से सियाचिन पहुंच गए, और उसके बाद रात को डिनर में कैप्टन थापा और मेजर गुरुचंद सिंह के साथ हमने वो बेसन के भरे हुए करेले और पूरियां खाई, फिर हम लोगों को तीनों को ही लूज मोशन हो गया। अरे तो ये तो छोटी सी बात थी, आपको दवाई ले लेनी चाहिए थी ना। मुस्कान, 17,720 फीट की ऊंचाई पर हमारा बंकर था, ऐसे में वहाँ हमें कौन सी दवाई मिलती? अरे रात भर हम लोग जा जाकर परेशान हो गए। अरे जब मैं जाता तो कैप्टन थापा और गुरुचंद संभालते बंकर, और जब वो जाते तो मैं बंकर संभालता। रात भर हम लोगों की जा जाकर इतनी हालत खराब हुई, और बर्फ के ऊपर ये बम्पर रगड़ रगड़ के हमारे सुबह तक बम्पर पूरे पत्थर हो गए। का मतलब आप लोग धोते नहीं है? छी, गंदे कहीं के। ओ मैडम, सियाचिन के अंदर पीने का पानी भी नहीं मिलता है, कच्ची बर्फ को हम लोग सिगड़ी में उबाल कर पीने का पानी बनाते हैं, और तुम धोने की बात करती हो। हाँ, नई नवेली दुल्हन घर आई और उन्हें आप फरमाइश करते हैं कि बेसन भर की करेले और पूरियां खानी है, ये भी नहीं पूछा कि हमें बनाना आता है या नहीं, तो आपको बर्फ बम्पर ही न रगड़ने पड़ेंगे। ऐसा है ना, तो फिर आज के बाद हम आपके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है कि हमने मम्मी जी से सारा खाना बनाना सीख लिया है। हाँ, और इसके बाद आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, विद्या रानी की कसम। ओए होए मेरी मुस्कान, आप हमें इतना प्यार करती हो। हाँ।
लेकिन एक बात कहें आपको, अगर किसी दिन हम आंखें बंद किए हुए तिरंगे में लिपटे घर वापस आ गए तो फिर आपका क्या होगा? ठाकुर की बेटी हूँ मैं, 16 सोमवार करके भगवान शंकर से आपको मांगा है, और दुश्मन की ऐसी कोई गोली भी नहीं तैयार हुई जो हमारी सुहाग के सीने तक पहुंच सके। हाँ, आपने सुना है ना वो, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे वाह मुस्कान, आप तो गुणवान, समझदार और बहुत ही बुद्धिमान हो। भगवान शंकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। भगवान, भगवान को थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान को थैंक यू बोलना है तो 22 फरवरी को छुट्टी लेकर घर आ जाइएगा, फिर हम भगवान शंकर की पूजा भी करेंगे और फिर महाशिवरात्रि की व्रत भी रखेंगे। हाँ मुस्कान, आप एकदम सही कहती हो, आज ही हम आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर छुट्टी की एप्लीकेशन लगा ही देते हैं। और हाँ, छुट्टी होली तक की लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ खूब सारा होली खेलेंगे और आपको खूब सारा रंग भी लगाएंगे ऐसे वैसे। अरे नहीं नहीं, हम रंग से होली नहीं खेलते, रंग से हमें एकदम एलर्जी है। अरे पहले रंग लगाओ फिर घंटों नहा नहा कर छुड़ाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे आप घर आओ तो सही, वो अपने पड़ोसी वाले काका जी है ना, लखन काका, उनकी भैंसे खूब सारा गोबर देती है, हम उनके गोबर से आपके साथ होली खेलेंगे। अच्छा हाँ। तो आपकी ये हिम्मत, यस, आप गोबर से हमारे साथ में होली खेलेंगी। हाँ। अभी बताते हैं आपको, ये लीजिए, धिसम 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 धिसम। दोस्तों, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।